हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि डेरिवेटिव्स की हम एक्सरसाइज 5.5 कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 5.5 के हमने फर्स्ट टू क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे आपको लास्ट लेक्चर में। तो बच्चों, आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.5, एनसीईआरटी डेरिवेटिव चैप्टर का नाम है। तो डिफरेंशिएट log x होल रेज टू पावर कोज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों, हमें डेरिवेटिव करना है लोग एक्स होल रेज टू पावर कोज एक्स। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, क्योंकि इसमें एक्स की टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसको एफ एक्स बोलते हैं, तो एफ एक्स को हम वाई बोलते हैं। तो आपके पास वाई है, आपको इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब वाई का डेरिवेटिव करना है। आपको क्या निकालना है? वाई का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dx। आपको क्वेश्चन मार्क है dy / dx नहीं मार। तो बच्चों, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल हो, तो हमने बताया था टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो हम log लेते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था, और हमने log की प्रॉपर्टीज बताई थी। तो प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट log m into n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सेकेंड प्रॉपर्टी, log ऑफ m ओवर n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, log m की पावर n इज m log m। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज टाइप वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल। तो टाइप है टेकिंग log on both sides। तो बच्चों, वेरिएबल, क्योंकि ये log x, इसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए ये वेरिएबल है। पावर cos x, इसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, x आ रहा है, इसलिए वेरिएबल। तो वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल टेकिंग log on both sides। बच्चों, हमने दोनों तरफ log लिया, log of y is equal to log of किसका log? log x की power cos x का, log इसका भी और log ये पूरी term का, log x की power cos x। तो बच्चों, जैसे ही log लिया, तो हमारे पास third property बन गई, m की power n बाहर log हो, तो ये n यहाँ पे आ जाएगा, log m होगा। तो देखिए, log m raised to power n, ये बच्चों m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है। तो n जो है यहां पे आ जाएगा n, और log m का, log m का, ये थर्ड प्रॉपर्टी लगा दी, n log m। n को है cos x, log ये है, m को है log x। वी हैव डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने d by dx किया log of y का, d by dx of cos x into log of log x। तो देखिए बच्चों, ये वन, दो नंबर्स, दो वेरिएबल्स, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u into v, डेरिवेटिव ऑफ u into v, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अगर दो वेरिएबल्स, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से किया जाता है। तो देखिए, हम जानते हैं log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाय x होता है। हमें तो डेरिवेटिव चाहिए log y का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x ही है, ये दोनों डिफरेंट हो गए ना बच्चों। तो x की जगह पे कौन है? y। तो x की जगह पे y रख दीजिए। अगर ये दोनों डिफरेंट है, तो फिर जो भी x की जगह पे आता है उसका भी डेरिवेटिव। तो d by dx of y, d by dx, देखिए। तो बच्चों, log x का डेरिवेटिव होता है 1 over x, लेकिन x की जगह पे कौन आया? y आ गया। तो जो भी x की जगह पे आया बच्चों, उसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए, इधर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू d by dx of सेकंड सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन
एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन. बच्चों ये प्रोडक्ट टू लग गया, तो देखिए 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये कोज एक्स. अभी बताया मैंने लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया बच्चों, 1 ओवर एक्स होता है. लेकिन यहां पे एक्स की जगह पे कौन है, लॉग एक्स, तो यहां पे एक्स की जगह पे लिख देंगे, एक्स की जगह पे आ जाएगा लॉग एक्स. और रूल कहता है कि जो भी एक्स की जगह पे आएगा उसका भी डी बाई डी एक्स. दिस इज लॉग लॉग एक्स. देखिए लॉग एक्स की जगह पे कौन है, लॉग एक्स, तो ये एक्स की जगह पे रख दिया यहां पे. लेकिन जो भी एक्स की जगह पे आया है उसका भी डी बाई डी एक्स, ये तो हम जानते हैं. प्लस लॉग लॉग एक्स एज इट इज, और कोज एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लर्न करके आए माइनस आई एक्स. ये मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो हमने ब्रैकेट में रखा है बच्चों. तो डी बाई डी एक्स चाहिए हमें, वाई को आप उधर ले जाइए, कोज एक्स ओवर लॉग एक्स. तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो एज इट इज 1 ओवर एक्स लिख दीजिए. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस को आगे लिख दीजिए, साइन एक्स को आगे लिख दीजिए, लॉग लॉग एक्स. तो दिस इज आंसर. फाइनली आप वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स होल पावर कोज एक्स. तो दिस इज योर आंसर. यहां पे आप छोड़ सकते हो, कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है. दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. डिफरेंशिएट एक्स की पावर एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स बिकॉज इट कंटेन्स टर्म्स इन्वॉल्विंग एक्स. सिर्फ एक्स के टर्म्स है, इसे एफ एक्स बोलते हैं, एफ एक्स को वाई बोलते हैं. तो वाई ये बन गया. तो बच्चों वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पर ध्यान रखना अगर इस टाइम में एक से ज्यादा टर्म्स होगी तो सीधा लॉग नहीं ले सकते. रीजन, अगर मान लो आप सीधा लॉग लेते हो, आप लेते हो कि वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बट हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते. व्हाई? बिकॉज ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है. तो लॉग एम प्लस एन और एम माइनस एन कुछ भी हो, इट इज नॉट इक्वल टू लॉग एम प्लस माइनस लॉग एन. इसका मतलब है लॉग एम प्लस एन जो होता है वो लॉग एम प्लस लॉग एन नहीं होता. इसी तरह लॉग एम माइनस एन होता है वो लॉग एम माइनस लॉग एन नहीं होता. तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है. अगर आप सीधा लॉग लोगे तो बच्चों अगर लॉग डिफरेंट डिफरेंट ले ही नहीं सकते तो फायदा ही नहीं होगा. तो इसका मतलब अगर वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल आ जाए पर उसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो, देखिए, तो उस केस में आपने एक टर्म को यू मानना है, एक टर्म को वी मानना है. तो आपने क्या किया, यू मान लिया एक्स की पावर एक्स को और वी मान लिया टू की पावर साइन एक्स को. तो हमारा जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का वो कैसे मिलेगा, हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव का साइन ले लिया, इसको स्टोर कर लिया. तो डी बाई डी एक्स कब मिलेगा, अगर डी यू बाई डी एक्स मिलेगा, डी वी बाई डी एक्स मिलेगा, दोनों की वैल्यूज यहां पुट कर देंगे. तो हमें यू गिवन है, यू कौन है, एक्स रेज टू पावर एक्स. दिस इज टाइप वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. अगर एक ही टर्म है, एक से ज्यादा टर्म है तो सीधा लॉग नहीं लेना, u प्लस b मानना है. ठीक है बच्चों, तो log m रेज टू पावर n थर्ड प्रॉपर्टी अभी बताई मैंने, n log m. तो बच्चों x log m रेज टू पावर n, m log m. तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x का. तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स.
बच्चों डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x होता है। अब एक्स की जगह पे कौन है, यू है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हमें साथ में यू का भी डेरिवेटिव करना पड़ता है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन एक्स की जगह पे जो भी है, कौन है, यू, उसका भी डेरिवेटिव डी यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस पे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शंस एक्स के वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल बोलता है कि फर्स्ट एज इट इज मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यू कैन चेक, यू को बच्चों उधर ले जाइए, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x होता है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ये x x कट गया, तो u की वैल्यू कितनी है, x की पावर x। तो दिस इज du / dx, इसको आप स्टोर कर लीजिए 2, हमें du / dx मिल गया। अब हमें dv / dx चाहिए, बच्चों v कितना है। तो दिस इज टाइप वेरिएबल रेस्ड टू पावर वेरिएबल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बट दिस इज नॉट वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि इसके पास x नहीं है, 2 है। तो ये टाइप है कांस्टेंट रेस्ट टू पावर वेरिएबल। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर दिस, याद है हमें a की पावर x लोगे, a की पावर x लोगे, पर बच्चों हमें डेरिवेटिव किसका चाहिए, 2 की पावर sin x का। तो a की जगह पे 2, x की जगह पे sin x, तो फॉर्मूला कंप्लीट। लेकिन अगर जो भी x की जगह पे रखते हो, जो भी x की जगह पे आता है, उसका भी d/dx एवरग्रीन फॉर्मूला। तो बच्चों dv/dx लॉग नहीं लेना, क्योंकि वेरिएबल रेस्ट टू पावर वेरिएबल नहीं है, और सीधा फॉर्मूला बन रहा है a की पावर x का। तो a की पावर x log of a, पर जो भी x की जगह पे आया, sin x आया, उसका भी d/dx। तो ये बन गया 2 की पावर sin x log 2, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो दिस इज dv/dx, आप इसको 3 स्टोर कर लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dy/dx। तो बच्चों क्या करेंगे, फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे, dy/dx किसके इक्वल है, du/dx के इक्वल है, ये रहा du/dx, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस dv/dx की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 की पावर sin x log 2 cos x। तो दिस इज आंसर, नो नीड टू सिंप्लीफाई दिस, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यहां पे छोड़ सकते हो, दिस इज आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, एक आधा और हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन 5 खुद ट्राई करेंगे, मैं क्वेश्चन 6 करवा रहा हूं। डिफरेंशिएट एक्स प्लस 1/x होल रेज टू पावर x प्लस x की पावर 1/1/x विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्लियरली दिस इज फंक्शन ऑफ x, ये पूरा x की टर्म्स है, इसको fx बोलेंगे, fx को y बोलते हैं, y इज x प्लस 1/x होल रेज टू पावर x फिर x की पावर 1/1/x। देखिए बच्चों वेरिएबल, ये वेरिएबल है, उसकी पावर वेरिएबल है, तो जिसमें एक्स आता है वो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो टाइप है वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल, लोग लेते हैं, लगर अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं इसके साथ, अगर इतना क्वेश्चन होता तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एक ही टर्म है, लेकिन प्लस है, ज्यादा टर्म्स है, तो लोग सीधा नहीं ले सकते। रीजन हम बता चुके हैं, लोग एम प्लस एन जो है वो log m plus log n नहीं होता, not equal, तो that's why इसका नाम u, एक का नाम v। तो बच्चों हमें तो dy/dx चाहिए, वो दोनों का अलग अलग derivative करेंगे with respect to x, फिर यहाँ पे put कर देंगे। तो what is u, x plus 1/x raised to power, अब एक ही term है, taking log on both sides, तो log m raised to power n, थर्ड प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी कहती है n log m, आप यहां पे मेंशन कर देंगे, बिकॉज log m की पावर n
एन लोग एम होता है, तो ये बच्चों लोग एम है, रेस टू पावर एन है, एन लोग एम लिख दिया हमने। तो लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखिए लोग यू, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, लोग यू का। इधर डी बाई डी एक्स किसका, एक्स लोग एक्स का, सॉरी एक्स लोग एक्स प्लस वन बाई एक्स का। तो बच्चों लोग एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स होता है, ये एक्स की जगह पे आ गया, तो जो भी एक्स की जगह पे आया उसका भी डेरिवेटिव, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो सिंपल लोग एक्स होता तो वो एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, हम लिखते ही नहीं है, तो ये यू है तो ये दोनों सेम नहीं है, तो यू का भी डेरिवेटिव। यहां पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये पूरा सेकेंड है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए बच्चों हमें तो डी यू बाई डी एक्स चाहिए, यू को आप उधर ले जा सकते हो एक्स, बच्चों लोग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन बाय एक्स होता है, ये तो सेम है डी बाई डी एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे कौन है, एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो यहां पे एक्स की जगह पे आप लिख देंगे, एक्स की जगह पे ऐसे लिख देंगे, लेकिन रूल बोलता है कि जो भी आप एक्स की प्लेस पे लाते हो उसका भी डेरिवेटिव करना है, हमें पता है ये चीज, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है सभी को, ये एज इट इज लिख दिया, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है। तो देखिए हमें बेसिकली यू पता है, व्हाट इज यू, यू की वैल्यू पुट करो, एक्स प्लस वन बाय एक्स होल रेज टू पावर एक्स, यहां पे एलसीएम लेंगे, एक्स ऊपर चल जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, तो एलसीएम ले लिया, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, और वन ओवर एक्स का क्वेश्चन रूल से कर सकते हो डेरिवेटिव, जहां इसको आप पावर रूल से कर सकते हो, वन ओवर एक्स का क्वेश्चन रूल से कर लो, या इसको ऊपर ले जाओ, पावर रूल कहता है कि पावर नीचे एक पावर छोटी, तो इसको एक्स की माइनस टू को ऐसे लिख सकते हो एक्स की, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x पावर रूल से, माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, पता चल गया कैसे किया, आप सिंपली लर्न कर लो वैसे ही समझ आ रहा है ओनली, तो ये आ गया log x plus 1 by x, तो 1 खत्म हो गया, तो du by dx कितना बन गया, ये बन गया, ये बच्चों एलसीएम लिया, देखिए एलसीएम लिया, मैं स्टेप ड्रैग कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लिया ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, चलो एक स्टेप हम बचा लेते हैं, एलसीएम लेने पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आपका डी यू ओवर डी एक्स बन गया, तो इसको आप स्टोर कर सकते हो टू। अब हमें वी वी का डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है बच्चों, तो वी कितना है, एक्स की पावर वी इज व्हाट, एक्स की पावर वन प्लस वन बाय एक्स, वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, अगर एक से ज्यादा टर्म है तो सीधा लोग ही लेते, अब एक ही टर्म है, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ लोग ले लिया बच्चों, लोग वी लोग, तो बच्चों दिस इज व्हाट लोग की थर्ड प्रॉपर्टी, लोग एम रेस टू पावर एन, एन log m, अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अब ड्रैग करें बच्चों, log x का 1 ओवर x, जो भी x की जगह पे आया उसका भी डेरिवेटिव, यहां पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड, सीधे लिखो सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, बच्चों 1 ओवर x का मैंने अभी बताया था, मैंने ये देखिए 1 ओवर x का माइनस वन ओवर एक्स के, तो यहां पे डायरेक्ट मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट इसका डेरिवेटिव की वैल्यू लिख दी, सेकंड और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू लिख दी, तो हमें तो dv by dx से v को उधर लेंगे, एलसीएम लिया और ये एक्स स्क्वायर बन गया,
ये जीरो खत्म हो गया बच्चों, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, लोग एक्स माइनस आगे चल गया तो ये आ गया। तो v हमें पता है, v कितना है x की पावर 1 बाय x, तो ना हो एलसीएम यहां पे भी ले सकते हो, ना भी लोगे तभी चलेगा ये dv / dx। हमें क्या चाहिए, dy / dx। तो व्हाट इज dy / dx फ्रॉम 1, तो dy / dx क्या है हमारे पास, इट इज du / dx प्लस dv / dx। तो बच्चों dy / dx कितना है आपके पास, du / dx कितना है आपके पास, देखिए सिंपली आपने ये वैल्यू यहां रख देनी है, देखिए x plus 1 by x की होल पावर x, यहां पे x square minus 1, x square plus 1 plus log x plus 1 by x, ठीक है जी, प्लस dv / dx की वैल्यू रख दीजिए, x की पावर 1 plus 1 by x, x plus 1 minus log x over x square, यही भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है, आपका सब कंप्लीट हो गया बच्चों, ओके। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सारे सम्स बच्चों सेम हैं, एक आधा और करवा देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन 7, 8 सेम है बच्चों, तो चलो क्वेश्चन 7, 8 करवा देते हैं, फिर आप बाकी के खुद ट्राई करेंगे। तो y गिवन है log x होल रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर log x, तो देखिए तो दिस इज वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, अगर ये टर्म नहीं होती तो सीधा log ले लो, लेकिन अगर एक से ज्यादा टर्म्स है तो हमने बोला है एक को u मानो एक को v, तो वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल हो तो log ले लीजिए, लेकिन अगर उसमें और भी टर्म्स पड़ी है तो एक को u मानो एक को v, हम रीजन बता चुके हैं। तो dy / dx du / dx plus dv / dx स्टोर कर लीजिए, वो जो u कितना है log x होल रेज टू पावर x, नाउ टेकिंग log, अब log ले सकते हो, क्यों ले सकते हो, टाइप वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, क्योंकि इसमें भी x है इसकी पावर में भी x है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ले लिया, log ले लिया, कुछ भी नहीं सिंपली log इधर लिख दिया और इसके आगे भी log लिख दिया। बच्चों log की प्रॉपर्टी लगानी है, log m raised to power n, वो बोलती है n log m, log m raised to power n, n log m, तो n नीचे log m, yeah, तो now we have differentiate both sides with respect to x, तो बच्चों d by dx of किसका log u का, तो d by dx किसका x log of log x, तो बच्चों log u का डेरिवेटिव with respect to x क्या होगा बताइए, log x का डेरिवेटिव 1 by x होगा, x की जगह पे कौन है u, तो ये दोनों सेम नहीं है तो u का भी करना पड़ेगा, हम ये बता चुके हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रूल ये फर्स्ट है ये पूरा सेकंड है, तो प्रोडक्ट रूल बोलता है कि फर्स्ट एज इट इज d / dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज d / dx ऑफ फर्स्ट, तो 1 ओवर u du / dx, तो बच्चों log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 / x है, ये d / dx तो है लेकिन x की जगह पे कौन है, ये पूरा log x, देखिए जो भी x की जगह पे है वो यहां पे रख दीजिए, तो ये तो 1 ओवर x की जगह पे log x रख दिया, लेकिन जो भी आप x की जगह पे रख रहे हो उसका भी d / dx फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, ये सेकंड एज इट इज रखेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो देखिए बच्चों u को ट्रांसपोज करेंगे तो ये x * 1x, तो log x का डेरिवेटिव सिंपली विद रिस्पेक्ट टू x 1 ओवर x, तो ये log log x है, ये 1 खत्म हो गया, तो u की वैल्यू बच्चों कितनी है, u की वैल्यू पुट कर देंगे log x होल रेज टू पावर x, ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 1 ओवर log x log ऑफ log x, इसको स्टोर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2,
अभी हमें v का डेरिवेटिव करना है, v कौन है, x की पावर log x, वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल, इसके पास भी x है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ले लिया, तो log की थर्ड प्रॉपर्टी लगी log m रेस टू पावर n, m log m, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों log v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, बोलो बोलो शाबाश, सोचो log x का वन log x होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो v का भी करेंगे, dv by dx, यहां पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लुक हियर, ये बन जाएगा log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ओवर x, log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ओवर x, बच्चों ये x से x काटना नहीं है, ये log x x एंगल है, ये नहीं काट सकते आप, तो फिर v को उधर ले जाएंगे, जैसे ही v उधर जाएगा तो v की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो log x into 1, log x into 1 एलसीएम ले लेंगे, तो dv by dx क्या बन जाएगा, देखिए बच्चों dv over dx x की पावर log x, एलसीएम लिया log x plus log x 2 log x, यहां भी छोड़ सकते हो, कई बच्चा बोलते हैं कि सर क्यों ना हम x इकट्ठे कर लें, बेसिक सेम पावर सबट्रैक्ट, वो आपकी मर्जी है, बेसिक सेम पावर सबट्रैक्ट, 2 को आगे रख लिया, ये 2 को हमने आगे रख लिया, ये साथ में log x ले लिया, तो दिस इज थर्ड, और हमें तो dy by dx चाहिए, dy by dx कौन है बच्चों, फ्रॉम 1 putting the values dy by dx du by dx plus dv by dx, तो यहां पे dy by dx du by dx की वैल्यू पुट कर दो, ये रही log x raised to power x 1 over log x plus log of log x plus dv by dx की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये देखिए ये dv by dx की वैल्यू पुट कर दो, 2 x की पावर log x minus 1 log x, this is the answer, तो बच्चों आज हमने आपको 7 questions तक समझा दिए, बाकी आप next sums try करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि एक lecture और इस exercise पे लगाएं, ठीक है बच्चों, तो फिर हम exercise 5.6 शुरू करेंगे, parametric equations, okay बच्चों, take care, thank you very much.